हेलो फ्रेंड्स, आज आपको कुछ कमेंट्स के बारे में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले आपको बोले कि ऑटोकैड का जो मेन चीज़ है माउस की स्क्रॉल बटन, ठीक है ना। ये माउस की स्क्रॉल बटन ये डिजाइन सॉफ्टवेयर में बहुत काम आता है। तो इससे क्या, माउस की स्क्रॉल बटन से हम किसी पॉइंट को जूम कर सकते जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। और माउस की जो स्क्रॉल बटन है उसको हम होल्ड करके बाएं दाएं हटा सकते हैं। जैसे मैं जूम इन कर रहा हूँ, स्क्रॉल बटन को आगे कर रख करके और स्क्रॉल बटन को पीछे करके जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मैं जूम इन किया या जूम आउट किया स्क्रॉल बटन को आगे और पीछे करके। अब देखिए, माउस पॉइंट का जो स्क्रॉल है, स्क्रॉल बटन को मैं दबा के माउस को इधर उधर हिला रहा हूँ तो ये हिल रहा है। तो ये आपको काफ़ी काम आएगा जब आप ड्राइंग के कोई बड़ा ड्राइंग के अंदर छोटे पार्ट्स में काम करेंगे, तो ये चीज़ आपको बहुत सुविधा करेगा। अब देखिए, आप पिछले जो एपिसोड है उसके अब लाइन बनाना सीख गए और सर्कल, आर्क बनाना, रेक्टेंगल बनाना, ये सब बनाना आप काफ़ी सीख चुके हैं। अभी देखिए, आपको एक चीज़ बनाना सिखाऊंगा, वो है हैच कमेंट, ठीक है। हैच कमेंट का मतलब है किसी भी जो क्लोज पोजीशन है तो उस क्लोज पोजीशन पे एक शेड लगाना। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से दबाना है H और फिर एंटर, फिर उसके बाद आ जाएगा हैच एंड ग्रेडियंट डायलॉग बॉक्स। अब देखिए, उस डायलॉग बॉक्स में ऊपर टाइप लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ छेड़छाड़ आपको करने का है नहीं। अब देखिए, पैटर्न में NC31 लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद जो देखिए आपको एक बटन दिख रहा है, तीनों डॉट है, उसमें आप क्लिक करिएगा तो बहुत सारे हैच जो मतलब पैटर्न है वो आ जाएगा आपको पास। तो आपको देखिए ऊपर बहुत सारे टैब है, ये NC है, ISO है, अदर प्रीडिफाइंड है, ठीक है। तो उसमें क्या, आपको बहुत सारे पैटर्न आ जाएगा, उसमें से आपका काम निपट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या अभी NC टैब के अंदर NC जो 31 है पहला वाला, उसको मैं सिलेक्ट किया, अब ओके कर दिया। अब आपको करना क्या है, एट पीक पॉइंट में क्लिक करना है। इससे क्या, जो क्लोज फील्ड है उस क्लोज फील्ड को सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्लिक किया, अब कहाँ पे सिलेक्ट करना है, देखिए मैं जब क्लोज फील्ड के अंदर माउस को ले रहा हूँ तो ऑटोमेटिक प्रीव्यू में दिखा रहा है वो सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन जब देखो ओपन फील्ड जो कि बाहर है बॉक्स के बाहर, उसमें क्या कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें मैं लेफ्ट क्लिक किया, फिर राइट क्लिक करिए, फिर एंटर में लेफ्ट क्लिक किया, देखिए फिर से डायलॉग बॉक्स आ गया, अब मैं ओके कर दिया। तो देखिए हैच बन गया। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, जब मैं हैच को सिलेक्ट किया था तो उस टाइम क्या बहुत सारे एरो दिख रहे थे, लेकिन इसमें नहीं दिखे। तो इसको मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए जूम के अंदर आपको दिखा कि लाइन है लेकिन बहुत ही पास पास है। तो अब मैं क्या किया, उसमें डबल क्लिक किया हैच में, तो ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। जो कोई प्रॉपर्टीज पैलेट है जो आपको ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर है, आपको पहले मैं दिखाया था, वो बॉक्स आ गया, ठीक है। अब उसके अंदर से देखिए स्केल नाम की एक चीज़ है, अब उसमें सिलेक्ट करिए, है ना। अब उसमें आपको डिज़ायर्ड जो भी वैल्यू है आपको देने में अच्छा है तो आप वो देखें, एंटर दीजिए। इसमें 40 दिया, फिर कीबोर्ड से एंटर दिया। अब देखिए मैं उसको बढ़ा रहा हूँ, 40 से 50 दिया, कीबोर्ड से एंटर।
तो देख सकते हैं आप जैसे साइड में जो पैटर्न है उसमें व्यू चेंज हो रहा है। तो आपका जो रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप दे दीजिए, फिर बॉक्स को क्लोज कर दीजिए और कीबोर्ड से एस्केप मार दीजिए ताकि कमेंट के बाहर आ जाए। देखिए इसको मैं फिर से डबल क्लिक किया और वो जो क्विक प्रॉपर्टीज जो बॉक्स है वो फिर से आ गया। आप देखिए इसमें एंगल नाम की और एक चीज़ है जिसमें जीरो दिया हुआ है। देखिए इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, ये जो 30 है उसको मैं 45 कर दिया। तो ये क्या, देखिए ये किस हिसाब से 45 है, जो स्टार्टिंग में जैसे हैच आया था उसको जीरो मानते हुए अभी जो एंगल हुआ उसको 45 है। जो मैं देखिए 85 दे दिया, आप देखिए दूसरा टाइप का हैच बन गया। तो इस हिसाब से आप अपने पसंदीदा हैच खुद से भी बना सकते हैं। फिर आपका काम हो गया, क्रॉस मार के बॉक्स को हटा दीजिए और एस्केप मार के कमेंट से बाहर आ जाइए। अब आपको एक नया कमेंट दिखाने जा रहा हूँ जो कि एक्सटेंड करना है, ये लाइन को या सर्कल को किसी को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना होता है, कोई लाइन या सर्कल है, तो इसके लिए मैं लाइन को ले रहा हूँ एल कमेंट से, एल कमेंट कीबोर्ड से फिर एंटर, जैसे लाइन कमेंट चालू हो जाता है। अब देखिए लाइन कमेंट मैं एक बार लिया लेकिन बार बार मैं एल नहीं दबा रहा हूँ। तो एक बार आप कीबोर्ड से एल कमेंट दिए, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट सिलेक्ट कर दिए तो लाइन कमेंट तो बन गया लाइन। फिर आप कीबोर्ड से एंटर दे दीजिए, फिर दोबारा जब आप एंटर दीजिएगा तो ऑटोकैड क्या करता है, लास्ट कमेंट को फिर से रीओपन करता है। तो लास्ट कमेंट लाइन था इसलिए फिर से लाइन बन गया। तो इस हिसाब से आप बार बार आपको एल दबाना नहीं है लाइन कमेंट के लिए, अब एक बार दबा दिए तो वो अपने आप एंटर मारते जाइएगा, वो काम करता रहेगा। ठीक है, मैं इधर भी एक लाइन बना लेता हूँ। अब देखिए मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा कहाँ तक, ये लाइन तक, ये लाइन को आगे बढ़ा के इसको मैं दोनों की क्रॉसिंग पॉइंट बनाऊंगा। ठीक है, अब आपको कई चीज दिखाऊंगा। देखिए एक्सटेंड कमांड शुरू करने के लिए EX फिर कीबोर्ड से एंटर दे दिया। देखिए ये लाइन को मैं सिलेक्ट किया ताकि यहां तक बढ़ाना है। अब सिलेक्ट करना है किसको बढ़ाना है, तो यहाँ से दे दिया कि वह इस लाइन को बढ़ाना है। अब देखिए सिलेक्ट करते ही वो वहाँ तक बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए आपको दूसरा चीज दिखा रहा हूँ। देखिए EX, देखिए फिर कीबोर्ड से एंटर दीजिए। अब देखिए EX जो है उसके बाद जब आप डबल एंटर देते हैं तो वो कमांड चालू हो जाता है और लाइन जो देखिए आगे तक बढ़ के एकदम जो लास्ट वो जहाँ पे एकदम क्रॉसिंग करता है वहाँ तक बढ़ जाता है उसको सिलेक्ट करने से ही, ताकि आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है कि कहाँ तक जाना है। देखिए EX कमांड अब डबल क्लिक जो करते हैं या डबल एंटर देने के बाद देखिए कमांड बॉक्स में कुछ कमांड आया, उसमें अंदर एज है तो एज का आप सिलेक्ट करते हो, उसके अंदर दो कमांड फिर से आता है उसमें आप एक्सटेंड दबाइए। देखिए एक्सटेंड से क्या होता है, तो एक्सटेंड का मतलब है एक लाइन जब बढ़ेगा तो उसके जाने के जो पथ है वो पथ के साइड में जितने भी सारे लाइन होगा जो लाइन आगे बढ़ के उस पथ को टच कर सकता है, तो ये लाइन जब बढ़ता हुआ जाएगा वो स्टेप बाय स्टेप वो सारे क्रॉसिंग पॉइंट को
क्रॉस करते हुए एक एक बार एक एक निकलेगा। देखिए जैसे मैं सिलेक्ट किया ये यहाँ तक बढ़ा, अब देखिए मैं दूसरा बार उसको सिलेक्ट करूँगा तो वहाँ तक बढ़ेगा, क्योंकि उसका क्रॉसिंग पॉइंट क्या वहाँ तक है। अगर वो लाइन आगे बढ़ता तो वहाँ पे उसका क्रॉसिंग पॉइंट हो जाता। अब देखिए मैं तीसरा बार दबाऊँगा तो वहाँ तक बढ़ेगा, क्योंकि ये जो लाइन है देखिए, अब जो रिक्वायर्ड है मैं पहले बता रहा था वो बन गया। तो ये बनाने के लिए आपको ई एक्स दबा के फिर डबल एंटर देना है, फिर देखिएगा कि जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर एज है, और एज के अंदर फिर दो ऑप्शन आएगा एक्सटेंड नो एक्सटेंड, तो उसमें आपको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड मतलब हर एक पॉइंट को ये क्रॉस करते हुए आगे निकलेगा, ठीक है। अब देखिए आपका एक कमेंट अभी दिखाने जा रहा हूँ जो है ट्रिम कमेंट। ट्रिम मतलब एक्सटेंड के ऑपोजिट, एक्सटेंड में जैसे बड़ा था ट्रिम में वैसे काट देंगे लाइन को। तो इसके लिए बहुत सारे लाइन को मैं कॉपी कमेंट से बहुत सारे लाइन बना लिया, ठीक है। अब देखिए ट्रिम कमांड चालू हो गया, ट्रिम कमांड से देखिए ट्रेड टी आर फिर एंटर दीजिए। अब आपको बताना है कौन सी लाइन को कहां तक करना है, तो ये लाइन जो है यहां तक करना है, और कौन सी लाइन को काटना है वो मैं आप सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये लाइन को काटनी करना है, देखिए वो लाइन उस लाइन का जो क्रॉसिंग पॉइंट है वहां तक कट चुका, ठीक है। फिर कीबोर्ड से एस्केप मार दीजिए तो कमेंट से बाहर आ जाएगा। अब देखिए ट्रिम कमेंट जो है उसमें मैं डबल एंटर दे, डबल एंटर देने से क्या होता है उसमें आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, उसमें क्या अपने आप जो क्रॉसिंग पॉइंट है क्रॉसिंग पॉइंट के बीचों बीच वो कट जाएगा। देखिए ये जो क्रॉसिंग पॉइंट था इसके अंदर ये कट गया, लेकिन ये लाइन नहीं कटा। क्यों नहीं कटा, ये आप कोई क्रॉसिंग में अंदर है नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है ये अभी पूरा के पूरा खुद ही एक लाइन बना है, इसका कोई क्रॉसिंग नहीं, बस लास्ट पॉइंट है और फर्स्ट पॉइंट है, तो इसलिए ये ट्रिम कमेंट में नहीं कटेगा। लेकिन ये लाइन कटेगा, देखिए ये बड़ा लाइन है जहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग है, तो ये कट जाएगा। देखिए मैं सिलेक्ट किया और वो लाइन कट गया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, आज इतना, आगे देखिए।